कन्नौज के गुरसाहेगंज कोतवाली क्षेत्र के दारासराय मोहल्ले में जानवर के चारा खाने के विवाद में एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दूसरे की चरनी में जानवर के चारा खाने से विवाद शुरू हुआ था, जिसने पल भर में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जमकर हुए खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतक के पुत्र ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। नगर पंचायत के गांधीनगर मोहल्ले के आरिफ ने पड़ोसी मोहल्ले दारा सराय के बदरुल राशिद अरबाज और चंदू पर पिता आसिफ की हत्या का मुकदमा गुरसाहेगंज कोतवाली में दर्ज कराया है। कहाँ रहते हो? दारा सराय समंदर। क्या घटना हुई? घटना हुई, गाय हमारी उनके नाली में चारा खा लिया और पहले आए वो गाली दी तो हमने घर वालों को चुप कर दिया। हमने कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा नुकसान अगर गाय ने घर की कर दिया है तो कोई बात नहीं। कहने लगे अगर गाय आ गई उसकी गोली मार देंगे, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम गोली मार देना भाई। और जब हमारा छोटा भाई उधर चारा लेने गया गाय के लिए, उसको बुला के देखो मारा, ये देखो खून उनका भी हाथ बढ़ गया सारा। फिर क्या हुआ? और पापा को मारा, पापा हमारे खत्म हुए। गाय से मारा? लाठी डंडे चला रहे, देखो सर पे हमारे कितनी तेज। कितने लोग घायल हैं? हम, हमारा भाई, पापा एक्सपायर हो गए। मौके पे पुलिस पहुंची थी? पुलिस थी नहीं मौके पे। ये समधन के गौरी नवादा मोहल्ले का मामला है। शाम को करीब 6 बजे दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई थी। उसमें बताया जाता है एक जानवर दूसरे के जानवर की नाद में चारा खाने लगा था, इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट के दौरान एक वृद्ध है जो आशिफ, उसको काफ़ी चोट लगी थी और उसको रेफर किया गया था, अस्पताल गया था, अस्पताल में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए